हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक न्यू डिज़ाइन का पायदान, जिसके लिए डाले हुए एक कॉफ़ी कलर का 12 फंदा और ब्लैक कलर का 12 फंदा डाल के रखा है मैंने, और दोनों मिला के 24 फंदों में ये डोरमेट बना रही हूँ मैं। आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा फंदे डाल के बड़ा बना सकते हो, पर दोनों बराबर के फंदे डालने हैं हमें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो कलर जैसा है उसको वैसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम फंदे को बटाना शुरू करेंगे। हम उल्टी साइड से ही हम फंदे को बटाएंगे, तो देखते रहिए आप। आप जैसे फंदे बढ़ाते हो उस तरह से आप बढ़ा सकते हो। एक फंदे को ऐसे बढ़ा लिया मैंने और लास्ट तक हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुनना है हमें, और लास्ट में दो फंदे बिना बुने छोड़ देना है। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, आप भी ट्राई करिएगा और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखेगा जब पूरा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। तब मैंने दो फंदे छोड़ दिए हैं बिना उन्हें, और यहीं से मैं वापस हो जाऊंगी और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही मैं बुन लूंगी। फिर से यहाँ दूसरी रो में फिर से एक फंदे को बटाएंगे और बुनाई स्टार्ट कर देंगे, और लास्ट में फिर से हम दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। देखिए मैंने फिर से दो फंदे छोड़ दिए और यहाँ से मैं वापस हो जाऊँगी, और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुन के मैं पूरा कर दूंगी इसको रो को भी। तीसरे रो में फिर से हम एक फंदे को बढ़ाएंगे और लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे। एक एक करके 6 फंदे बढ़ाऊंगी। यहाँ मैं दो दो करके 6 बार फंदे को छोड़ देती हूँ, फिर आगे का आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे सारे फंदे छूट गए हैं। मैंने इस साइड 6 फंदे बढ़ा लिए हैं और दो दो करके मैंने 6 बार फंदे को छोड़ दिया है। 12 फंदे मेरे ब्लैक के छूट गए हैं। अब हमें फंदे को घटाना है। घटाना कैसे वो देख लीजिए। दो का हमें ये दो फंदों में हमें एक कर देना है इसी तरह से ऐसे, और आगे से हम ऐसे बुनते जाएंगे। और फिर से जो हमें 6 फंदे छोड़े हैं वहाँ से हम दो फंदे फिर से बिना बुने छोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इस कलर के दो फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से ही हम वापस हो जाएंगे। हम सीधी सिलाई उतर देंगे और फिर से हम एक फंदा फिर से हम कम करेंगे। दो का एक करके एक फंदे को फिर से कम कर दिया और नीचे से फिर से दो फंदे छोड़ देंगे।
देखिए मैंने फिर से दो फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ से मैं वापस हो जाऊँगी और आगे से सीधी सिलाई बुन लेंगे हम। ऐसे ही मैं दो दो फंदे करते हुए मैं सारे फंदे छह फंदे कटा लेती हूँ और दो दो करके नीचे से मैं दो दो फंदे छोड़ देती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने देख दो दो करते हुए मैंने सारे फंदे छोड़ दिए, ये लास्ट में तीन फंदे रहते हैं। अब इसका यहाँ कैसे करते हैं वो देख लीजिए। क्या ये दो का एक कर दिया ऐसे, और यहाँ से हम सारे फंदे बुन लेंगे, जो हमने छोड़े हैं वो सभी को बुन लेंगे। ब्लैक कलर के भी सारे फंदे बुन लेंगे इस तरह, आगे से और एक सिलाई पीछे से, दोनों साइड से एक एक सिलाई हमें उतारनी है। ऐसे सारे फंदे को बुनते जाना है और इसको कंप्लीट कर देना है इस तरह से। और यहाँ से भी हम एक सिलाई हम कर देंगे, तो मैं कर देती हूँ फिर आगे का बताती हूँ। यहाँ हमारी सीधी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है, ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। अब आगे कलर चेंज करेंगे हम दूसरी कली के लिए। ये ब्लैक वाला धागा है, अब ये कॉफी कलर को हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे इस तरह से। यहाँ हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही रो हमें एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई लेनी है कलर को चेंज करते हुए इस तरह। ये हमारी दूसरी कली की शुरुआत हो रही है। हर कली जब हम बनाएंगे तब कलर को ऐसे ही चेंज करते जाएंगे इस तरह से, और ये ब्लैक वाला कॉफी कलर हो जाएगा ऐसे ही। हमें सारे फंदे को एक बार बुन लेना है उल्टी साइड से और एक बार सीधी साइड से। अब सीधी साइड से भी एक रो हम उतार देंगे लास्ट तक इस तरह से। ये मेरी कंप्लीट हो गई। से हम अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम फिर से फंदे को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। छह फंदे मेरे बढ़ेंगे, छह बार यहाँ तक छोड़ दूंगी और फिर से इस तरह से हम फंदे को घटाएंगे। जैसे मैंने बताया उसी प्रकार यहाँ से मैं फिर से यहाँ से घटाते हुए यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते जाऊँगी। इसी तरह हमें कलर को चेंज करते जाना है। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।